और कोलकाता की घटना के विरोध में आज डॉक्टरों की हड़ताल। डॉक्टर्स एसोसिएशन का आज देश भर में हड़ताल का ऐलान किया गया है। महिला डॉक्टर के रेप हत्या के विरोध में यह प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है, कोलकाता की घटना के विरोध में आज डॉक्टरों की हड़ताल जो है वो देखने को मिलेगी। डॉक्टर्स एसोसिएशन का आज देश भर में हड़ताल का ऐलान है। महिला डॉक्टर के साथ रेप हत्या के विरोध में यह प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है डॉक्टर्स के तरफ से। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं बैनर लेकर के यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। महिला डॉक्टर के रेप हत्या के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बीच कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या पर प्रदर्शन तेज हो गया है। नाराज डॉक्टरों का संगठन हड़ताल पर है। तो इस मामले में बीजेपी ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने भी इस हत्या पर सवाल उठाया है। सौरव गांगुली ने ममता सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। कोलकाता में महिला डॉक्टर से हैवानियत के बाद हत्या से कोहरा मचा है। लोगों में गुस्सा इस कदर है कि मेडिकल से जुड़े छात्र और स्टाफ सड़क पर उतर आए। कहीं कैंडल लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं पर नारेबाजी जताकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को एक महिला डॉक्टर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। छात्रा के शरीर पर चोट के निशान थे, जिसके बाद पुलिस ने जब शव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जाहिर की तब कोलकाता से लेकर दिल्ली तक उबाल आ गया और मेडिकल से जुड़े छात्रों का प्रदर्शन तेज हो गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महिला के प्राइवेट पार्ट, दोनों आंख और मुंह से खून बह रहा था। साथ ही चेहरे पर नाखून और चोट के निशान मिले। इस दरिंदगी के बाद मेडिकल से जुड़े छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और प्रदर्शन होने लगा। इस मामले को लेकर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तब महिला डॉक्टरों को इंसाफ दिलाने की मांग पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने कर दी। सौरव गांगुली ने इस घटना को जघन्य बताया और सख्त कार्रवाई की जरूरत को बताया। वेरी अनफॉर्चुनेट, अ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट। इट्स टेरिबल, रियली रियली टेरिबल। इसी बीच कोलकाता में महिला डॉक्टर से हैवानियत और हत्या के मामले में बड़ा एक्शन हुआ। आरजीकर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हटा दिया गया। इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस जहां कार्रवाई में जुटी है, वहीं बीजेपी ने पुलिस पर बयान बदलने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। वहीं जेएमएम नेता महुआ मांझी ने भी राज्य सरकार को इस मामले में सीरियस रहने को कहा। देखिए, पहले ही मैं बता चुका हूं, ये बहुत शर्मनाक घटना हुई है, इसकी इंक्वायरी ठीक से होनी चाहिए। हम सीबीआई डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस पहले बोली थी कि आत्महत्या का केस है, बाद में वही पुलिस बोल रही है कि ये मर्डर है और जिसको अरेस्ट किया गया ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुझे लगता है इसका सटीक इंक्वायरी अगर चाहिए तो सीबीआई होनी चाहिए। देखिए, इस तरह की घटना जहां भी हो रही है अत्यंत निंदनीय है, और चाहे किसी भी स्टेट में हो, वहां की सरकार को इसको लेकर गंभीर होना पड़ेगा और जो भी दोषी है उसको तत्काल ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी। कोलकाता पुलिस ने महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में जिस संजय राय नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया, दावा है कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी वारदात के बाद एक अहम सुराग छोड़ गया था और इसी वजह से वो तुरंत पुलिस के चंगुल में फंस गया। पुलिस को महिला डॉक्टर के शव के पास एक ब्लूटूथ हेडफोन मिला था, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ लोगों की लिस्ट बनाई। इन संदिग्धों से पूछताछ के दौरान ये ब्लूटूथ हेडफोन आरोपी संजय राय के मोबाइल से कनेक्ट हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म भी कबूल किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी संजय राय एक सेवित वॉलंटियर था और अस्पताल के अलग अलग हिस्सों में उसका आना जाना लगा रहता था। पहलवान विनेश फोगाट के लिए हरियाणा के चरखी दादरी में एक विशेष खाप पंचायत जो है वो बैठक बुलाई गई। आपको बता दें कि इस बैठक में विनेश फोगाट के लिए इंसाफ की मांग की गई और सुप्रीम कोर्ट के जज से इस मामले की जांच की मांग की गई है। साथ ही विनेश को भारत रत्न देने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही ये ऐलान किया गया कि खाप पंचायत उन्हें गोल्ड मेडल देगी। कि बेटी के साथ जो जुल्म होया, उसके साथ जो धोखा होया,
उस धोखे का पर्दाफाश हो, बेटे को न्याय मिले और हम अपनी तरफ से सर्वखाप सर्व समाज उसको सम्मानित करें। इस पूरे प्रकरण का सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी की जाए और दोषियों को कटघरे में खड़ा करके उसको सजा दिलाई जाए और बेटे को न्याय मिले। नंबर दो, विनाश फोगाट को जो स्वर्ण पदक विजेता का सम्मान स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों वो सम्मान दें। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। आपको बता दें कि उधमपुर के खनेड़ इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है और खबर यह है कि इस मुठभेड़ के बाद जवानों ने 3 से 4 पाकिस्तानी आतंकियों के एक ग्रुप को घेर लिया है और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि ये वही आतंकी ग्रुप है जो 6 अगस्त को हुई फायरिंग में शामिल था और इसके बाद वहां से भाग गया था। अब सुरक्षा बल के जवानों ने इस ग्रुप को घेर लिया है और आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। उधर अनंतनाग के कोकनाग में सुरक्षा बल का ऑपरेशन अभी भी जारी है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान जो है शहीद हो गए थे, जिसके बाद सुरक्षा बल की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन ने यह कहा कि इलाके में छिपे आतंकी जल्द ही ढेर होंगे। आर्मी और उसकी पुलिस की मिलके एक वहाँ पे एक ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन के बुनियाद पर एक ऑपरेशन जारी हुआ था, वो कंक्लूड नहीं हुआ है। तो बीच का रिजल्ट्स में हमें ये पता चला है कि 2 जवानों का शहादत हुई है और पर अभी भी जो है वो ऑपरेशन अनफोल्ड कर रहा है। वी स्टिल एक्सपेक्ट दैट वी विल बी एबल टू। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।